सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपकमिंग वैकेंसी की, जो कि अभी हाल ही में आने वाली है, एक ही हफ्ते में आ जाएगी ऐसा चला है। और अगर आप एक सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, एक गवर्नमेंट टीचर लगना चाहते हैं, तो आज की इस पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप द स्पेशल टीचर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आए। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट चलते हैं उस नोटिफिकेशन पर, जिसके बिहाफ पर आज की वीडियो बनाई जा रही है। शिक्षक भर्ती, नियोजित शिक्षकों और नए अभ्यर्थियों की एक साथ परीक्षा। 1,70,000 शिक्षकों की वैकेंसी इसी सप्ताह, परीक्षा अगस्त के अंत तक। दोस्तों, बड़ी न्यूज़ है, 1,70,000 शिक्षकों की इसी सप्ताह वैकेंसी आने की बात करी जा रही है और अगस्त में एग्जाम हो जाएगा। तो क्या है ये पूरी डिटेल्स देखते हैं। कक्षा 1 से 12 तक 1,70,461 शिक्षकों की भर्ती के लिए इसी सप्ताह वैकेंसी जारी होगी। आवेदन का समय 1 माह होगा। कक्षा 1 से 5, कक्षा 9 व 10 और कक्षा 11 व 12 के लिए अलग अलग आवेदन लिए जाएंगे। अगस्त के अंत तक परीक्षा भी 3 अलग अलग तिथियों पर होगी। रिजल्ट नवंबर अंत तक जारी होगा। 100 अंकों की भाषा के पेपर में 30% क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 150 अंकों के मूल पत्र नेगेटिव मार्किंग होगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस के बारे में यह जानकारी बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोमवार को दी। नियोजित शिक्षकों और सामान्य अभ्यर्थियों की परीक्षा एक साथ ही होगी। नियोजित शिक्षकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट रहेगी। प्रश्न ना तो बहुत कठिन और ना ही बहुत आसान होंगे। परीक्षा केंद्र अभ्यर्थी के जिले नहीं बल्कि उसी प्रमंडल के दूसरे जिलों में होगी। कदाचार करने वाले अभ्यर्थी पर कानूनी कार्यवाही के साथ 5 साल तक के लिए किसी भी परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगा दी जाएगी। परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन कराया जाएगा, जैमर लगा रहेगा। ये सारी हिदायतें, ये सारी चीज़ें पता लग रही हैं अपने को, जो कि पटना से खबर आ रही है 1,70,000 शिक्षकों की वैकेंसी आने की। अब क्या है और चीज़ें वो देखते हैं। प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की परीक्षा अलग अलग तिथि को होगी। कौन कौन से लेवल में कितने कितने पद आ रहे हैं, बात करते हैं कक्षा 1 से 5 तक की। तो 79,943 शिक्षकों की भर्ती इसमें होनी है। कक्षा 9 व 10 की बात करें तो 32,916। कक्षा 11 व 12 की बात करें 57,602 शिक्षकों की भर्ती यहाँ होगी। 100 अंकों के भाषा के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें बता रखी हैं अतुल प्रसाद जी से। और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, उन्होंने क्या क्या आंसर दिए, जानते हैं। नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न क्या होगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया है। एक प्रश्न में कितने ऑप्शन होंगे अभी तय करना बाकी है। उत्तर के लिए 5 ऑप्शन होंगे, तो 4 गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा, यानी कि 0.25% नेगेटिव मार्किंग। 4 ऑप्शन वाले सवाल होंगे तो 1 अंक कटेगा, यानी कि 0.33% नेगेटिव मार्किंग होगी। ये नेगेटिव मार्किंग के संबंध में इन्होंने बताया है। बात करते हैं कई अभ्यर्थियों के एक ही अंक होंगे तो सिलेक्शन किसका होगा। समान अंक की स्थिति में पहले अधिक उम्र, फिर देवनागरी लिपि के नाम के अनुसार चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे अमित और प्रकाश के अंक समान है और चयन इनमें से एक का होना है, तो अमित को प्राथमिकता होगी, लेकिन उम्र में प्रकाश अधिक है तो प्रकाश ही चयनित होंगे। तो दोनों चीज़ें हैं, या तो एज ज़्यादा है आपकी, या अल्फाबेटिकली आपका नेम पहले आता है, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा कि अगर एज स्कोर सेम है आपका। तो आगे क्वेश्चन पूछा गया है, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न का स्तर कैसा होगा। कक्षा 1 से 5 के लिए इंटर स्तर का, जबकि कक्षा 9 व 10 का स्नातक और कक्षा 11 व 12 के लिए स्नातकोत्तर स्तर का होगा। प्रश्न ना तो बहुत कठिन होंगे, ना ही बहुत आसान होंगे। विषय वस्तु का ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि संबंधित विषय के 100 अंक हैं, जबकि सामान्य ज्ञान के 50 अंकों की होगी। उसके बाद आगे का क्वेश्चन क्या पूछा गया इनसे, भाषा में 25 अंग्रेजी के प्रश्न हैं, 75 हिंदी या उर्दू या बंगला के, तो दोनों में 30-30% अंक अलग अलग लाने होंगे या नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। इनका आंसर करते हैं, उन्होंने बोला है नहीं, 100 अंकों में से 30 अंक ही लाने हैं। अंग्रेजी के प्रश्न आसान होंगे, लेकिन हिंदी के प्रश्न बहुत
आसान भी नहीं होंगे, मतलब हिंदी थोड़ी मॉडरेट लेवल की आएगी, इंग्लिश इजी आएगी, आप आराम से कर पाएंगे। उसके बाद का क्वेश्चन है, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 40%, पिछड़ा वर्ग के 36.5% से अधिक अंक पर शिक्षक बन जाएंगे, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया है। कि अब इनका आंसर करते हुए बोला है, नहीं, सामान्य वर्ग 40%, पिछड़ा वर्ग 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34, एससी एसटी महिला व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% न्यूनतम अंक है, ना कि इससे सिलेक्शन हो जाएगा। इतना आने पर वो प्रतियोगिता की रेस में होंगे। मान लीजिए किसी विषय में 100 सीट है, जबकि निर्धारित अंक के आधार पर 300 अभ्यर्थी आ गए, तो इसमें से अधिक अंक वाले क्रम से ही 100 अभ्यर्थी कोटिवार चयनित होंगे। ऑब्वियस है कि 40% अगर आपका न्यूनतम क्राइटेरिया है तो जो ज़्यादा अंक ले जाएगा वो सिलेक्ट होगा। मैंने TET भी पास की, STET के दोनों पेपर भी पास किए, तो क्या प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों के लिए आवेदन दे सकता हूँ? तो इसका स्पष्ट आंसर यहाँ पे किया गया है, हाँ। माध्यमिक या उच्च माध्यमिक में जिस विषय में STET उत्तीर्ण की है उसी विषय के आवेदन कर सकेंगे। कक्षा 11 में 12 के लिए गणित के साथ भौतिकी में STET उत्तीर्ण है, लेकिन इन दोनों में से एक विषय के लिए आवेदन कर सकेंगे। यदि कक्षा 9 व 10 के लिए STET में भी उत्तीर्ण है तो दोनों के लिए अलग अलग विषयों में आवेदन कर सकते हैं, यानी एक में गणित और दूसरे में भौतिकी। कोई अभ्यर्थी गणित में STET के दोनों पेपर उत्तीर्ण है तो दोनों के लिए गणित में आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे जो बातें थी, 1,70,000 शिक्षकों के जो पद आ रहे हैं बिहार में, पटना की न्यूज़ है उसके बारे में है। इसी हफ्ते इसी वीक नोटिफिकेशन आने की बात कर रही है, वैकेंसी आने की बात की जा रही है, और परीक्षा अगस्त के मंथ में होगी, नवंबर में रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। तो आप सभी लोग जो शिक्षक बनना चाहते हैं इस तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि बम्पर भर्ती है। 79,943 कक्षा 1 से 5, 32,916 कक्षा 9 से 10, 57,611 से 12, काफ़ी बड़ी भर्ती है, मौका हाथ से मत गंवाना, आप तैयारी में अभी जुट जाना। दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।